हेलो गाइस, आज हम देखने वाले एक वायरलेस कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग। ये ईवो फॉक्स नाम का एक ब्रांड से आता है और मैं इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। और ये कंट्रोलर बहुत ही मस्त है कंपेयर टू एक्सबॉक्स कंट्रोलर। ये सस्ता भी है और ये इसका जो लिंक, आपको ख़रीदने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चलिए अब हम देखते हैं इसका अंदर क्या क्या देते हैं। और मैंने इसको हटा दिया था, सो पहले अंदर जो है वो देखने के लिए अभी दिखाते हैं। ऐसा एक कंट्रोलर आता है, ये एकदम एक्सबॉक्स का सिमिलर कंट्रोलर है। एक्सबॉक्स का जो भी कंट्रोलर होता है वो इसका एडिटो होता है। और आप देख सकते हैं ये बटन सब अच्छा मस्त बटन्स है, कोई भी लैग नहीं है। और जो भी ये R1 R2 R3 का बटन्स है वो प्रेशर सेंसिटिव है। सो हम GTA ऐसा गेम खेल रहे हैं तब तो ये प्रेशर सेंसिटिव, ऐसा थोड़ा एक्सेलरेटर देना है तो थोड़ा दबाना पड़ेगा और ज़्यादा देना तो ज़्यादा दबाना पड़ेगा। ऐसा है कि दो एनालॉग स्टिक्स है और डी पैड सब अच्छा से काम कर रहा है। इधर एक टर्बो बटन दिया हुआ है, जब हम ऐसा शूटिंग गेम्स खेलते हैं तब बार बार दबाने के लिए ये सेट कर सकते हैं कि टर्बो। इसको कैसे ऑन करते हैं, ये एंड्रॉयड के साथ कंपेटेबल है, एंड्रॉयड विंडोज़ और आप PS3 में भी खेल सकते हैं, बट ये आईफोन और आईपैड में काम नहीं करता। क्योंकि आईफोन आईपैड में OTG कंपेटेबिलिटी ये नहीं लेके आता है, सो उसमें यूज़ नहीं कर सकते, एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि ये यही है, ये डोंगल है, या आपको इसको विंडोज़ या विंडोज़ PC में वो जो USB पोर्ट है उसमें लगाना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है जब हम ये ईवो बॉक्स का होम बटन दबाएं। तो जब ये कनेक्टेड होगा तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाता है, आपको कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर और क्या क्या है रख देता हूँ। ये एक USB2 Type-C चार्जर है, सो USB से आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं आपका ये जो भी है मतलब कंट्रोलर। और ये USB to USB है, आपको ये डोंगल दूर से कनेक्ट करना होगा तो आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा अंदर चल जाएगा, ऐसा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। लंबे थोड़ा डिस्टेंस में यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और पास में यूज़ करने के लिए इसको डायरेक्टली USB पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें इसका एक और एडवांटेज है कि इसमें दो दो एडिशनल ट्रिगर्स है जिसको आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है वो कंट्रोल करने का दो बटन है। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी मस्त लग रहा है कि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। सीधा प्लास्टिक होने के बावजूद भी ये इसका जो भी है बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और की सब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से काम कर रहा है। और क्या है, ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा PC गेम्स का कंपेटेबल है, ऐसा है कि फाल गाइस खेल सकते हैं और ज़्यादा, और एनालॉग स्टिक का जो भी है रोटेशन और जो लैग लैग है बहुत कम लैग है, लैग तो है बट बहुत कम है। सो कंपेयर टू बाकी सब जो भी है, मतलब 3-4 हज़ार का ज़्यादा एक्सबॉक्स कंट्रोलर आता है बट ये सस्ते में मिल रहा है आपको, कि 1500 में ही आपको इतना अच्छा सा एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये खरीद सकता है। मैं एक्सट्रीमली रिकमेंड करूँगा कि ये कंट्रोलर कर दिएगा, क्योंकि Type-C है, प्रेशर सेंसिटिव बटन्स है और जो भी बटन का बिल्ड है बहुत सही है। और आप मैपिंग भी कर सकते हो, जो भी ऐसा PC गेम्स खेल रहे हो और PS3 का गेम्स खेल रहे हो, सो डायरेक्टली ये एक्सबॉक्स कंट्रोलर नाम में चल जाता है। और कुछ कुछ एमुलेटर में आपको खेलना है तो X इनपुट या D इनपुट में ये कंट्रोलर शो करता है।
उतना ही है। आप देख सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी और कनेक्टिविटी में ये बेस्ट है। और ये ईवोफॉक्स ब्रांड का भी बहुत सारा कंट्रोलर्स है, बट ये एलाइट एक्स नाम का एक कंट्रोलर है। ये लेने में आपको ज़्यादा प्राइस टू यूसेज रेशियो बहुत अच्छा है, सो ये ले लीजिएगा।